अस्सलाम वालेकुम। एक बार अल्लाह अकबर पढ़ लीजिए। आज ये जो सेटअप आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमने मेलसी में लगाया है। इसमें हमने इनको एक मिक्सचर दिया, एक मिलिंग दी है, एक ऑटोमेटिक स्टैम्पर दिया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर वर्किंग अभी आपको दिखाएंगे। ये मिक्सर को चलता हुआ दिखा रहा हूँ, ये आगे मिलिंग में कन्वर्ट हो रहा है माशाल्लाह। जो मिक्सर है ये सिर्फ 100 kg का था इनका, और ये मिलिंग का पेपर देखिए माशाल्लाह कितना बारीक निकाल रही है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको रूले के ऊपर जो पेपर नज़र आ रहा होगा वो ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा, मतलब सोप के नीचे से आपको लोहे का जो रूला है, जो पाइप है, वो नज़र आ रहा होगा। तब इतना बारीक अल्हम्दुलिल्लाह निकाल रही है। ये 8 इंच की है, एक लड़का हमने इनके पास भिजवाया ताकि इनको जो भी काम की हाव ना हो, जो वो जानता है वो सिखा सके। ये इनके डालने का अंदाज देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि वो कैसे पेपर को फाइन निकालने के लिए एक तरफ से डाल रहे हैं और उसे दूसरी तरफ तक लेके जा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका 100 kg का बैग जो वो खत्म हो गया। ये मेरा बाकी भाइयों को भी मशवरा कि हमने इनको कहा था कि जो प्लास्टिक की कैन मिलती है 1 टन की, 1000 किलो की, जो अमूमी तौर पे लोग पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सस्ती मिलती है, 5000 रुपये की अप्रॉक्सीमेटली मिलती है। इसको हाफ करके इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आपको नीचे फर्श पे ना गिराना पड़े, उसको तो मूव करना भी आसान है। और यह मिलिंग वाला पेपर प्लॉडर में डाल के उसका राउंड लगा रहे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 4 राउंड लगाइए और फिर 5वें पे आप डंडा निकालिए ताकि आपकी सोप की जो मिक्सिंग है, खुशबू की, बाकी केमिकल्स की, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, सब की जो है वो प्रॉपर हो जाए, आपका कलर जो भी बने वो सस्टेन रहे। ये 10 इंच का प्लॉडर है। अब माल माशाल्लाह पीछे से खत्म हो गया। अभी दूसरा राउंड लगाते हुए पहले मिलिंग के पेपर डाले थे, अब ये सवैयां डालते हुए ये अब स्टैम्पिंग हो रही है। ये ऑटोमेटिक स्टैम्पर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका डंडा पीछे प्लॉडर से आता है ऑटो, और फिर आगे जो है वो शिफ्ट होके उसकी डाई बनती जाती है। ये ATM ब्रांड है इस पार्टी का जिनको हमने ये सेटअप लगा के दिया, लेकिन अभी इसको सेमी ऑटोमेटिक की तरह ये चला रहे हैं, ये ऑटोमेटिक की तरह नहीं चला रहे। इनके पास इन्वर्टर अवेलेबल नहीं था, कुछ बिजली का मसला था इनके पास, इसलिए इन्होंने ऑटोमेटिक को सेमी ऑटोमेटिक के तौर पे चलाया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 पीस एक टाइम में निकल रहे हैं।